हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर माय सेल्फ श्रुति पाल और आज हम जानेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और ये कितने टाइप्स की कंप्यूटर मेमोरी टू टाइप्स की होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी होती है ये कंप्यूटर की और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है रैम एंड रोम रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी रैम जो होती है वो टू टाइप्स की होती है स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम जो होती है वो फाइव टाइप्स की होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी इलेक्ट्रिकली इरेजल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी इलेक्ट्रिकली अल्ट्रेबल रीड ऑनली मेमोरी मास्क रीड ऑनली मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है सी डी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क डी वी डी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क पेन ड्राइव फ्लैश डिस्क हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क अब हम जानेंगे मेमोरी होती क्या है वट इज़ मेमोरी जस्ट एज वट एवर एक्टिविटी वी डू इन आवर लाइफ इज़ ए स्टोर इन आवर ब्रेन जिस प्रकार हम अपने जीवन में जो भी एक्टिविटी करते हैं वह हमारे दिमाग में स्टोर होती है सिमिलरली मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन इन अ कम्प्यूटर उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्प्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है जॉब इज स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर सिस्टम जिसका काम डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना होता है और इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है वेन एवर एनी इंस्ट्रक्शन इज गिवेन बायस टू ए कंप्यूटर द सी पी यू द डेटा फ्रॉम द मेमोरी जब भी हमारे द्वारा कंप्यूटर को कोई निर्देश दिया जाता है तो सी मेमोरी से ही डेटा को एक्सेस करता है जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कंप्यूटर मेमोरी टू टाइप्स की होती हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी अब हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सी पी यू इन द मदर बोर्ड प्राइमरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जो मदर बोर्ड में सी पी यू से डायरेक्ट कनेक्टेड है द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑल द प्रोसेस इज ऑकेरिंग एट प्रजेंट टाइम इन द कंप्यूटर आर कॉपी टू द प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में प्रजेंट टाइम पर होने वाले सभी प्रोसेस के निर्देशों को प्राइमरी मेमोरी में कॉपी किया जाता है बिकॉज द सी पी यू कैन द डाटा डायरेक्टली फ्राम द प्राइमरी मेमोरी क्योंकि सी पी यू प्राइमरी मेमोरी से सीधे डेटा को एक्सेस कर सकता है द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द प्राइमरी मेमोरी इज़ मच लेस दैन सेकेंड्री मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से बहुत कम होती है इट इज़ ए स्मॉलर इन साइज सो इट टेक्स मच लेस टाइम टू फाइंड द डेटा ये साइज़ में बहुत छोटी होती है इसलिए डेटा को ढूंढने में काफ़ी कम समय लगता है और इसीलिए इट इज़ फास्टर दैन द सेकेंडरी मेमोरी और ये इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है सेमीकंडक्टर हैज़ बिन यूज टू मेक इट इसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ किया गया है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव दैन सेकेंडरी मेमोरी और इसीलिए ये मेमोरी से महंगी है कान गेट इन बिल्ड फ्रॉम आउटसाइड इसे हम बाहर से इन बिल्ड नहीं करवा सकते फ्राम आउटसाइड इट्स टेम्प्रेरी मेमोरी क्योंकि ये एक टेम्प्रेरी मेमोरी है इट इज़ बॉथ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल इन नेचर ये दो नेचर की है वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल इसके टू टाइप्स हैं रैम एंड रोम रैम जो मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल नेचर की होती है और रोम जो मेमोरी होती है वो नॉन वॉलीटाइल नेचर की होती है अब हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सेकेंडरी मेमोरीज एंड एक्सटर्नल मेमोरी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो उसे एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं और इसे ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं द कंप्यूटर प्रोसेसर कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेप्ट द डेटा स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी फॉर दैट द डेटा इज़ फर्स्ट लोडेड इन टू द प्राइमरी मेमोरी रैम यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसर जो है वो सीधे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता उसके लिए पहले उसे डेटा को प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में लोड करना पड़ता है इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज सिक्सटीन टी बी वाइल द प्राइमरी मेमोरी इज़ थर्टी टू जी बी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सिक्सटीन टी बी होती है और प्राइमरी मेमोरी की जो होती है वो थर्टी टू जी बी होती है यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है दिस इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी व्हेन द लाइट इज़ टर्न ऑफ देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द डेटा लोकेटेड इन द सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जब आप अपना फ़ोन या फिर लैपटॉप को शट डाउन या रिस्टार्ट करते हो तो आपका डेटा रिमूव नहीं होगा क्योंकि एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है बिकॉज इट इज़ परमानेंटट स्टोरेज डिवाइस और ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है इट कैन बी एडिड और रिमूव इन द कम्प्यूटर बिकॉज़ इट इज़ एक्सटर्नल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को हम कम्प्यूटर में जोड़ सकते हैं और निकाल भी सकते हैं क्योंकि एक एक्सटर्नल मेमोरी है इट कॉस्ट इज़ लो इसकी जो प्राइज़ होती है वो कम होती है इट हैज़ स्लो डाटा ट्रांसफ़र और ये डाटा ट्रांसफ़र स्लो करती है इसको बनाने के लिए मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मटेरियल का यूज़ किया गया है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैकअप स्टोरेज मीडिया इसे बैकअप स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी सी डी डी वी डी फ्लैश डिस्क हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं एंड अगर आपको रैम और रोम की डेफिनेशन जाननी है तो इसकी वीडियो अलग से होगी और अगर आपको इन सब की फुल फॉर्म जाननी है तो इसकी वीडियो अलग से बना चुकी हूँ मैं आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो